भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के लिए क्या गाना गाएंगे मीका सिंह? भाई इसमें ताजुब की क्या बात है? अगर पवन सिंह के साथ राखी सावंत आइटम सॉन्ग कर सकती हैं, तो मीका सिंह गाना क्यों नहीं गा सकते? वैसे अगर मीका सिंह पवन सिंह के लिए गाना गाए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि मीका सिंह तो बॉलीवुड के सिंगिंग के बादशाह हैं और पवन सिंह भोजपुरी गायकों के शहंशाह। लेकिन ये कयास अभी आप दूर दूर तक नहीं लगा सकते। मामला क्या है, चलिए बताते हैं। आपको बता दें कि मीका सिंह ने अपने घर पे एक पार्टी होस्ट की थी, जिसमें उन्होंने पवन सिंह, मनोज तिवारी, सचिन जोशी जैसे कई लोगों को बुलाया था। अब आप जानना चाहते होंगे कि इन लोगों को मीका सिंह ने क्यों बुलाया। आपको तो पता ही होगा कि उत्तर भारतीय कुंभ मेले में पवन सिंह, मनोज तिवारी, मीका सिंह जैसे सभी स्टार्स को सम्मानित किया गया। वहीं सचिन जोशी को भी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि ये सचिन जोशी हैं कौन। सचिन जोशी गुटका किंग है और ये फिल्मों में भी आ चुके हैं। अगर आपको अभी भी सचिन जोशी याद नहीं आए तो आपको उर्वशी शर्मा याद है। ये बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और इन्होंने सचिन जोशी से शादी की है। सचिन जोशी ने बॉलीवुड की कई फिल्में प्रोड्यूस भी की है और खुद उसमें एक्टिंग भी की है, और साथ ही ये बहुत बड़े गुटका व्यापारी हैं। तो मीका सिंह ने जो अपने घर पर पार्टी होस्ट की थी, उसमें ये सारे मेहमान एक साथ मिले और मिलते ही ये सारे एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो गए। तभी जैसे ही पवन सिंह ने मीका सिंह के साथ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये फोटो पोस्ट की, ये फोटो पोस्ट होते ही वायरल हो गई और सभी को ये लगा कि पवन सिंह के लिए उनकी आने वाली फिल्मों में हो सकता है कि मीका सिंह गाना भी गाए। हाँ, ये इन फ्यूचर हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी पवन सिंह के लिए मीका सिंह कोई गाना नहीं गा रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने घर जो पार्टी दी थी, जो दावत दी थी, उसमें उन्होंने एज अ गेस्ट पवन सिंह को आमंत्रित किया था और उसी पार्टी में उन्होंने मनोज तिवारी और सचिन जोशी को भी एज अ गेस्ट बुलाया था। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।